अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शमा ज़ैनब ख़ान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रागी की रोटी बनाने की रेसिपी। रागी की रोटी ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, बनाने में भी आसान है और हेल्दी भी है। तो चलिए जल्दी से रागी की रोटी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देखते हैं। एक कटोरी फुल हम लेंगे बारीक चॉप की हुई प्याज। ये देखें, इस तरह से चॉपर की मदद से इसको चॉप कर लें। एक कटोरी फुल लेंगे हम। फिर हम सुई की भाजी और कोथिमीर लेंगे, ये भी एक एक कटोरी फुल लेंगे। फिर हम इसी के साथ लेंगे 2 से 3 हरी मिर्च, इसको इस तरह से कट कर लें। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं, इसके बिना आप रेड चिल्ली पाउडर ऐड कर लें। फिर हम यहाँ पर नमक लेंगे स्वाद अनुसार, 1 या 2 टेबल स्पून के करीब, हम लेंगे घी। तो इसको रागी का आटा बोलते हैं। आज हम इसकी ही रोटी बनाएंगे, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रागी का आटा इस कटोरी के हिसाब से हम 2 कटोरी लेंगे, यानी 2 बाउल फुल लेंगे। फिर हम लेंगे 1 गिलास फुल गर्म पानी, जितना इसमें लगेगा उतना ही लेंगे। सबसे पहले हम आटे में ऐड कर देंगे बारीक चॉप की हुई प्याज, कोथिमीर, सुई की भाजी, हरी मिर्च भी ऐड करेंगे और ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज भी पानी छोड़ती है और कोथिमीर, सुई की भाजी, इन सब में भी पानी होता है, तो एक बार अच्छे से इन सबको मिक्स कर देंगे। ऐड कर देंगे घी। घी ऐड करने से रोटी टेस्टी भी होती है और एकदम सॉफ्ट भी बनती है, तो इसको भी ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम आटे में ऐड कर देंगे पानी। पानी ज़्यादा गर्म भी नहीं लेंगे और ज़्यादा ठंडा भी नहीं, बस मीडियम होना चाहिए पानी। पानी आटे को गूनने के लिए जितना लगेगा उतना ही लेंगे। पानी आटे को गूनने के लिए जितना लगेगा उतना ही लेंगे, आटा ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके गूनते जाएंगे इस तरह से। ये रोटी हमारे बचपन में हमारी दादी बना के दिया करते थे। ये बहुत ही टेस्टी होती है और खाने में हेल्दी भी है, बच्चों को, बड़ों को, ये सबको पसंद आती है। तो आटा रेडी है, अभी हम इसकी जल्दी से रोटी बनाएंगे। इस आटे को गून कर रखना नहीं चाहिए, फौरन से ही इसकी रोटी बना देते हैं। इस तरह का एक पेड़ा बना लेंगे। आप जितनी बड़ी रोटी बनाना चाहते हैं उतना बड़ा ले सकते हैं। सबसे पहले हम आटे को इस तरह से डालेंगे, फिर हम इसके ऊपर ये पेड़ा रखेंगे। अभी हम हल्के हाथों से इसको प्रेस करते जाएंगे, इसको हमें बेलना नहीं है, ऐसे ही हल्के हाथों से प्रेस करते रहें। ऐसे गोल गोल घुमा घुमा कर इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस करते रहें। इसी तरह सेम चावल की रोटी भी बनाते हैं, वो भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। इसी तरह हमें इसको हल्के हाथों से प्रेस करते रहना है। अगर हम ज़्यादा फोर्स से प्रेस करेंगे तो ये टूट सकती है, ये बहुत ही स्मूथ होती है, तो इसको हमें हल्के हाथों से ही प्रेस करना होता है इस तरह से। अभी ये तैयार है, इसको हम जल्दी से तवे पर डालेंगे। तवा पहले से ही हमने गर्म होने के लिए रखा हुआ था, अब हम तवे के ऊपर इसको डालेंगे आहिस्ते से। इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डाल के अच्छे से स्प्रेड करेंगे इधर उधर, क्योंकि ये बहुत ही जल्द ड्राई हो जाती है, यानी सूख जाती है, इसीलिए हम इसके ऊपर हल्का सा पानी डालते हैं। पानी डाल के अच्छे से फैला दें। रोटी एक तरफ से पक गई है, तो अभी हम इसको दूसरी साइड भी पकाएंगे। रोटी को इस तरह से टर्न कर करके आराम से आप पका सकते हैं। ये देखें, अब ये टूटेगी भी नहीं। रोटी पककर तैयार है, अभी हम इसको निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। रोटी को थपकने का एक और आइडिया मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी बहुत ही आसान है। इस तरह का एक प्लास्टिक कवर ले लें, या नहीं तो आपको मार्केट में बटर पेपर भी मिल जाएगा, उससे भी आप बना सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह का एक कवर ले लें, इसके ऊपर हल्का सा तेल डालें, उसके बाद इस तरह से आटा रखकर इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस कर ले। इससे भी बहुत ही आसान है बनाना रोटी, तो आप ये एक तरीके से भी बना सकते हैं। और इसको निकाल कर तवे पर डालना भी बहुत ही आसान है। ये देखें, इस तरह से
आसानी से निकल जाएगा। फिर आप रोटी को तवे पर डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह रोटी पककर तैयार है। तो अभी हम इसके ऊपर गरम गरम रोटी के ऊपर घी लगाएंगे। घी लगाकर इसको हम पीनट चटनी के साथ या कोकोनट चटनी के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होती है। तो आप भी इस तरह रागी की रोटी बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होती है और खाने में भी बहुत ही हेल्दी होती है। उम्मीद करूंगी आपको ये भी वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर लें। इंशाल्लाह मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अभी मैं आपको रोटी टेस्ट करके भी बताऊंगी। ये देखें, इसको आप पीनट चटनी के साथ या आप कोकोनट चटनी के साथ खा सकते हैं।